अगर दोस्तों आपके फ़ोन में इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है तो पक्का दोस्तों आप अपने फ़ोन में YouTube को भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे होंगे। जब भी आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पे बार बार बफरिंग होती होगी और आपका वीडियो रुक जाता होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में Facebook, Instagram जैसे एप्लीकेशन को यूज करते होंगे तो वहाँ पे भी दोस्तों कोई भी पेज अच्छे से ओपन नहीं होता होगा। और तो और दोस्तों अगर आप WhatsApp पे कोई भी स्टेटस को देख रहे होंगे तो वो स्टेटस को भी आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है तो इन प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसी सीक्रेट सेटिंग लेके आया हूं, जिनको दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग को अप्लाई कर लेते हो तो आपके फोन में इंटरनेट सुपर फास्ट तरीके से चलने लग जाएगा। फिर चाहे दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी की सिम हो या फिर किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सेटिंग की। इसके लिए दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अभी दोस्तों आपके फ़ोन की दोनों सिम यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जिसमें आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो सिंपली आप उस सिम पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे को देखने को मिल जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके फोन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, अगर आपके फोन में बार बार 5G नेटवर्क आते हैं उसके बाद 4G नेटवर्क आते हैं तो उस केस में अगर आपके फोन में 5G नेटवर्क आ रहे हैं तो वहां पे आपके इंटरनेट की स्पीड है काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 4G वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों 4G वाले जो यूजर्स है बहुत कम है, जिससे दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारी सेटिंग इंपॉर्टेंट है और सभी सेटिंग को आप करोगे तभी दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट की स्पीड है अच्छी हो पाएगी। तो एक एक करके सारी सेटिंग को आपको कर देना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड सेटिंग की। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी एक्सेस पॉइंट नेम्स, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे आपकी सिम की APN सेटिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे जियो की सिम यूज कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में जियो शो हो रहा है। अगर आपके पास एयरटेल की है तो एयरटेल शो होगा या फिर BI की है तो BI शो होगा। अभी दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊपर की साइड में 3 डॉट देख रहे होंगे, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट पर यहाँ क्लिक करोगे जिससे दोस्तों आपका जो APN सेटिंग है रीसेट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों टाइम टू टाइम आपको ये रीसेट करनी पड़ती है तभी दोस्तों आपके फोन में जो इंटरनेट है सही से चलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग के बारे में। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से पूरा बैक आ जाना है और आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जो तीसरे नंबर की सेटिंग है वो आपको प्ले स्टोर में ही करने को मिलेगी। तो अब दोस्तों आपको अपने फोन में यहाँ पे गोल सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगी नेटवर्क प्रेफरेंस, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपके फोन में ये सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट होगी। बट दोस्तों आपको यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों इस सेटिंग को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपके फोन में ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट होते रहते हैं जिससे दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता है कि आप फोन में कोई भी एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है, जिससे दोस्तों आपके इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो ये सेटिंग आपको अपने फोन में जरूर से चेक कर लेनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने चौथे नंबर की सेटिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अभी दोस्तों हम यहाँ से पूरा बैक आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से पूरा बैक आ जाएंगे और अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अबाउट डिवाइस में जाना है। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको वर्जन वाली सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको बिल्ड नंबर पर 7 बार जल्दी जल्दी से टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
बैक आने के बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे और इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है डेवलपर, तो आपके सामने ये डेवलपर ऑप्शन करके सेटिंग मिल जाएगी। अभी आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके फ़ोन में कई सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। अभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखना है, तभी दोस्तों आप अपने फ़ोन में उस सेटिंग को कर पाओगे। नहीं तो दोस्तों आप कोई और सेटिंग कर लोगे जिससे दोस्तों आपके जो इंटरनेट की स्पीड है वो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो मैं जो सेटिंग बताऊंगा आपको वही करनी है। तो थोड़ा सा दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, डोंट कीप एक्टिविटी। ठीक है, आपको अपने फोन में इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और सेटिंग देखने को मिलेगी, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके फोन में कई सारी सेटिंग हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों होगा क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके फोन के बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशन चलते रहते हैं जिससे भी दोस्तों आपके जो फोन की इंटरनेट स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इस सेटिंग को आपको जरूर से ऑन करके रखना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट सेटिंग के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको अपने फ़ोन में कोई भी सेटिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक सेटिंग आप जरूर से कर लेना, उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में अच्छे से इंटरनेट चलने लग जाएगा। तो दोस्तों आप फिर से आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे सर्च करना है RESET रीसेट। ठीक है, रीसेट सर्च करोगे। रीसेट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं दोस्तों आपको बता दूँ, मैं आपका कोई भी फ़ोन को रिस्टोर करना नहीं बताऊँगा, ना ही दोस्तों इस सेटिंग को करने से आपके फ़ोन में कुछ भी डिलीट होगा। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से देखना है और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में एक सेटिंग देखने को मिलेगी, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन के पासवर्ड को डालोगे। तो मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट को दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन की सभी सेटिंग रीसेट हो जाएंगी, जिससे दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई भी सेटिंग गड़बड़ हो गई होगी तो वो सही हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो इंटरनेट स्पीड है सही हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना।